जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे आइसक्रीम ग्रीन कलर में मिलती है, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान बहुत सारे देशों से सबसे आगे है। जापान अपने मेरीटाइम बॉर्डर्स नॉर्थ कोरिया, पियर चाइना, द फिलीपीन, रशिया, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स के साथ शेयर करता है। जापान के लोगों की लाइफ स्पैन दूसरे देशों के लोगों से ज़्यादा होती है। यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 85 ईयर्स होती है। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जापान के लोगों की लाइफ स्पैन इतनी लंबी कैसे होती है, तो इसके पीछे का मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इसका मेन रीज़न है हेल्दी फूड। जापान के लोगों को हेल्दी फूड खाना पसंद है। वहाँ के लोगों को ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने बताया कि जापान के लोगों को ग्रीन टी पीना पसंद है। ग्रीन टी हमारे बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। जापान में ग्रीन टी का इतना क्रेज है कि वहाँ पे आइसक्रीम भी ग्रीन कलर में मिलती है और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी ग्रीन कलर में मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन कलर ही नहीं बल्कि वो बहुत हेल्दी होता है। जापान में ग्रीन आइसक्रीम और ग्रीन कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। इसका मतलब वो सब ग्रीन कलर में नहीं बल्कि वो सब नेचुरल फूड मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। जापान में चाय की लगभग 100 से ज़्यादा वेराइटीज कल्टिवेट की जाती हैं। जापान के लोगों को जमीन पे पाए जाने वाले फूड से ज़्यादा सी फूड खाना पसंद है। जापान के लोगों को समुद्र में पाए जाने वाले जीव से लेकर पौधे तक हर तरह का सी फूड खाना पसंद है। तो मैं आपको बता दूं, जमीन पे पाए जाने वाले फूड से ज़्यादा समुद्र में पाए जाने वाला फूड 10 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। जापान के लोग लगभग 1,00,000 टन सी वीड कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। सी फूड एक ऐसा पौधा होता है जो कि समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो दोस्तों, आप लोग ये जान गए होंगे कि जापान की फूड लाइफस्टाइल कैसी है। तो गाइस, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन से देश का माना जाता है? गाइस, उस देश का नाम है जापान। जापान का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। इसका एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि यहाँ पे किताबी काम से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप लोगों ने डोरेमोन या शिनचान में यह देखा होगा कि जितने भी क्लासरूम्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उन क्लासरूम्स को वो खुद साफ़ करते हैं। हाँ गाइस, ये रियल में है। जापान में जितने भी स्कूल्स हैं और उनमें जो क्लासरूम्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने क्लासरूम्स को खुद से साफ़ करते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि जापान को इतना क्लीनेस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पूरा वीडियो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। जापान के जितने भी टैक्सेस होते हैं उनमें ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगा होता है, यानी कि आपको दरवाज़ों को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे आप बाहर निकलते हैं वो दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो इसी के साथ जापान के लोगों की लिटरेसी रेट कितनी होगी, क्या आप लोगों ने सोचा है? तो मैं आपको बता दूं कि जापान की लिटरेसी रेट 100% है। इसका एक मेन रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे किताबी कामों से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम किया जाता है। जापान को यूं ही नहीं बेस्ट इनोवेशन कंट्री कहा जाता है। वहाँ पे बच्चों को शुरू से ही इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग यह जान गए होंगे कि जापान दुनिया का सबसे बेस्ट इनोवेटिव कंट्री क्यों है। आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कार्टून डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि ये सारे कार्टून्स कौन से देश में बने? गैस, इस देश का नाम जापान है। जापान में ही डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन जैसे बहुत सारे फेमस कार्टून्स बने हैं। तो बात कर ली जाए जापान के थोड़े फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। पहला प्लेस है माउंट फूजी। आप लोगों ने डोरेमोन में यह प्लेस ज़रूर देखा होगा, जो कि एक बड़ा सा माउंटेन होता है। हाँ गैस, ये माउंटेन रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है माउंट फूजी। दूसरी जगह का नाम है डिज्नीलैंड टोक्यो, जो कि मोस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। यहाँ पे बहुत सारे वाटर पार्क्स हैं और डिज्नी में जितने भी कार्टून्स आते हैं उन सब का स्टैचू देखने का मौका मिलेगा। तीसरी जगह का नाम है टोक्यो टावर। आप लोगों ने ईफिल टावर नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पे आपको टोक्यो टावर देखने को मिलेगा, जो कि रात में लाइट डेकोरेशन के साथ बहुत सुंदर दिखता है। और आखिरी जगह का नाम है डोरेमोन म्यूजियम। असल में इसका नाम फूजिको एफूजियो म्यूजियम है, लेकिन गाइस, इसे आप डोरेमोन म्यूजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा म्यूजियम डोरेमोन फैंस के लिए डेडिकेटेड है। इस म्यूजियम में आपको डोरेमोन से रिलेटेड बहुत सारे कॉमिक्स मिल जाएंगे। इस म्यूजियम को डोरेमोन फैंस के लिए डेडिकेट किया गया है, क्योंकि इस म्यूजियम में आप सबको डोरेमोन के रिलेटेड बहुत सारे स्टैचूज और कॉमिक्स बुक मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप गूगल अर्थ में सर्च करके भी इस म्यूजियम को 3D व्यू में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।